संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 दिन के दौरे पर बिहार के मुजफ्फरपुर गए हैं। 11 फरवरी को अपने दिए गए बयान में भागवत ने कहा, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो और संविधान इजाजत दे दे तो स्वयं सेवक मोर्चे पर जाने को तैयार हैं। जिस आर्मी को तैयार करने में 6 से 7 महीने लगते हैं, संघ उन सैनिकों को 3 दिन में तैयार कर देगा। मोहन भागवत के दिए इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे हर भारतीय का अपमान बताया है, क्योंकि यह उन लोगों का अपमान है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भागवत के बयान की निंदा की है। विवाद बढ़ता देख आरएसएस के प्रचार प्रमुख मोहन वैद्य ने कहा, उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, यह सेना संघ के बीच की तुलना नहीं है। उन्होंने कहा, स्वयंसेवक अनुशासित होते हैं, इसलिए उन्हें 3 दिन में तैयार किया जा सकता है। भागवत ने सेना नहीं नागरिक तैयार करने की बात कही थी।